नमस्कार, मैं श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव, संचालिका गौरी वैवाहिक केंद्र। आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने कहीं से मेरा नाम सिर्फ सुना है, जो ना ही मुझे जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं, और ना ही आज तक उन्होंने मेरी पत्रिका को पूरा खोलकर देखा है, समझा है। सिर्फ उन लोगों के लिए। बहुत से ग्रुप में मेरे सर्विस के बारे में, मेरे यहाँ के काम के बारे में स्क्रीनशॉट डाले जा रहे हैं, गलत बातें लिखी जा रही हैं, गलत जानकारियां दी जा रही हैं। पर लोगों का ये भी देखना जरूरी है। करूंगी कि अगर मेरे बारे में या मेरे काम के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो मेरे YouTube चैनल में मैंने सब कुछ बताया है। इवन अपनी पत्रिका के बारे में, हमारे यहाँ से जो चार्जेस लिए जाते हैं उसके बारे में, क्या सर्विस दी जाती है उसके बारे में आपको ए टू जेड सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। आप वहाँ से वो जानकारी एकत्रित करके अपने ग्रुप्स में डाल सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं से चुराने की या किसी से गलत तरीके से जानकारी लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोग हमारे यहाँ की रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर बहुत ही परेशान हैं कि अपने समाज के हो के आप अपने समाज से ही पैसा क्यों लेते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या किसी भी कायस्थ टीचर को, कायस्थ डॉक्टर को, कायस्थ वकील को या कायस्थ किसी मैरिज हॉल वाले को कभी उन्होंने कुछ पे नहीं किया है? क्या सब कुछ फ्री में मिल जाता है? तो फिर मुझसे ही फ्री की उम्मीद क्यों रखते हैं? मैं क्यों दूं फ्री में सर्विस? मैं नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा समय बहुत कीमती है, मेरी सर्विस कीमती है। मैं ना ही किसी से फ्री में काम कराती हूँ और ना ही फ्री में किसी का काम करती हूँ। मैंने कभी भी अपने काम को समाज सेवा नहीं कहा है, जबकि वो समाज सेवा है। उन लोगों से पूछिए जो अपने बच्चों के विवाह के को लेकर कितना परेशान रहते हैं, उन्हें कितनी राहत मिलती है मेरे काम से। मेरा काम अपने समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए वरदान है, जिसे लोग ना ही समझते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि ये मेरा बिजनेस है, ऐसा बिजनेस जिसके द्वारा आज तक मैंने लगभग 2000 शादियां की हैं, कराई हैं। मेरी पत्रिका के द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग 2000 शादियां हुई। ऐसा बिजनेस जिसके द्वारा आज तक मैंने लगभग 300 बच्चों को नौकरी दी है। आज भी मेरे ऑफिस में 25 बच्चे काम, ऐसे बच्चे जो कम शिक्षित होकर भी आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रदान करने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार की आर्थिक मदद करते हैं, क्या ये समाज सेवा नहीं है? आप ही बताएं। वो लोग जो मंचासीन होकर अपने समाज के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन बिना समझे, बिना जाने किसी के लिए, किसी औरत के लिए, किसी के काम को बिना समझे ऊट पटांग लिखते हैं, ऐसे बुद्धिमान ज्ञानी जन कायस्थ जनों से तो ज्यादा अच्छे मेरे एम्प्लॉई हैं, जो पूरी मेहनत करते हैं कि अगर किसी से हमने 2500, 4500, 7500 या 11000 लिया है तो उसे अच्छी से अच्छी सर्विस प्रदान करें, उनको कोई तकलीफ ना हो, हर प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए पूरे दिन मेहनत करते हैं। दुख तो मुझे तब होता है जब किसी ग्रुप में मेरे लिए या मेरे काम के लिए कुछ उटपटांग लिखा जाता है, गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेरे जानने वाले, मुझे समझने वाले, मुझसे लगातार मिलने वाले, मुझसे मदद लेने वाले लोग भी मेरे लिए एक शब्द नहीं लिखते। लेकिन इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब बातों से मुझे नई शक्ति मिलती है और मैं अपने दोगुने उत्साह के साथ, एक नई शक्ति के साथ अपने कार्य को और अच्छा करने के लिए प्रेरित हो जाती हूँ।
मुझे प्रेरणा मिलती है इन सब चीज़ों से, मैं अपनी शक्ति बना लेती हूँ, मुझे ये चीज़ें कमज़ोर नहीं करती। कहते हैं ना, निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन साफ पानी बिना निर्मल करे सुहाए। और मुझे अपने कार्य पर गर्व है, मुझे अपने आप पर गर्व है, मुझे अपने पति पर गर्व है जो मुझे हर कदम पर सपोर्ट करते हैं, मुझे अपने बच्चों पर गर्व है जो मेरे वर्क को स्मार्ट वर्क बनाते हैं और अपडेट करते हैं, मुझे अपने एम्प्लॉय पर गर्व है जो मेरे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को मानते हैं और अपनी सर्विस को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको हमेशा सर्विस मिलेगी, अच्छी सर्विस मिलेगी। जो लोग बोलते हैं, गलत बोलते हैं, गलत प्रयास करते हैं, गलत जानकारियां फैलाते हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो यही कर सकते हैं, वो यही करेंगे, यही करते रहेंगे। और मैं ये काम कर रही थी, करती हूँ और करती रहूँगी। बस मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, ऐसे ही विश्वास बनाए रहिए। अगर कभी कुछ कंप्लेंट होती है, कभी कुछ आपको गलत लगता है, आप मेरे नंबर पर डायरेक्ट कॉल कीजिए, मुझे बोलिए कि मुझ आपसे आपकी सर्विस से मुझे और अधिक ऐसा चाहिए। आप लोग मेरी शक्ति हैं, आप लोगों का सहयोग ही मुझे नित नई प्रेरणा देता है काम करने के लिए। मुझे फक्र है अपने आप पर, मैं एक हाउसवाइफ थी लेकिन आज मैं इतना बड़ा काम कर रही हूँ, 25 एम्प्लॉई हैं मेरे, मैं टैक्स पे करती हूँ, मैं बिजनेस वूमेन। थैंक यू सो मच।